नमस्कार दोस्तों, PBR स्टडी पर आपका स्वागत है। यह है बेसिक मैथ्स का अभ्यास 19। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए का नंबर है 16 भागे 4 गुणे 5 धन 4 माइनस 3। तो सबसे पहले इसमें बॉड मास का रूल लगाते हैं, यानी कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाना। ठीक है, इसी हिसाब से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पहली लाइन में सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर है डिवाइड का सिंबल, भाग का, ये है। तो 16 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 चौका 16 4। बाकी सारा वैसे उतार लीजिए, 5 प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब की गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 4 को 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 चौका 20 धन 4 ऋण 3। ठीक है, अब 20 को 4 में जोड़ेंगे। अब इसके बाद जोड़ना है फिर घटाना है, तो 20 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3। फिर 24 को 3 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 21। तो इसका आंसर कितना आ गया, 21 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है, केवल इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है। तो यह है दूसरा क्वेश्चन ख, इसमें भी वही करना है। तो सबसे पहले देखेंगे भाग करेंगे, भाग का सिंबल कहाँ है, यहाँ पर है। तो जहाँ भाग नहीं है बाकी हर एक चीज़ वैसे उतारते चलेंगे, 5 प्लस 2 को 2 से 4 में भाग करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 2 इंटू 3 प्लस 6, सब ऐसे उतारते चलेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, कहाँ पर है गुणा का चिन्ह, तो गुणा करेंगे यहाँ। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख लेंगे, 5 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6। अब सब ऐड करना है, 6 5 11 11 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 17। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 5 धन 5 भागे 5 गुणे 5 ऋण 5। इसमें केवल 5 ही 5 है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो जल्दी जल्दी देखते हैं, 5 प्लस 5 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 1 इंटू 5 माइनस 5। ठीक है, तो इसको इसमें गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो 5 धन 5 एकम 5 ऋण 5। अब इसको इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 माइनस 5, फिर 10 में से 5 माइनस कर देंगे 5 आ गया, का आंसर क्या आ गया, 5। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, इजी वाला नहीं कराएंगे, इसके बाद हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर घा। तो इसमें 3 सही 1/6, इसको चेंज कर लेंगे, 6 3 18 1 19/6 हो जाएगा, 19/6 -1/3 / 3 × 6 + 4। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, इसके बाद डिवाइड का सिंबल यहाँ पर है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 19/6 - 1/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/3 × 6 + 4, 9/6 - ये अब डिवाइड था, डिवाइड चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3/1 था तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 × 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 3 9 × 6 + 4। अब देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल कहाँ पर है, इसको सॉल्व करेंगे, 19/6 - इसको सॉल्व करेंगे, 6/9 हो जाएगा, या फिर 3 3 9 3 2 6 2/3 2/3 + 4 आ गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 19/6 - ये वाला प्लस करेंगे, तो 2/3 में 4 को ऐड करेंगे, तो इधर देख लेते हैं क्या आएगा, चलिए यहीं पे देखते हैं। इसके नीचे 1 छिपाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आ जाएगा 19/6 - 2 1 2 4 3/3 और 4 3 12, प्लस है बीच में प्लस लगा लेंगे, 3। ठीक है, 19/6 - हर बराबर हो गया, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, 12 2 14/3
थ्री, 14/3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 और 3 इसका भी एलसीएम लेके 6 करेंगे तो 19 - 3 2 6 तो 14 × 2 = 28 कर लेंगे। 19 - 28/6 हो गया, फिर 28 में से 19 घटाएँ कितना आएगा, 9/6 और ये माइनस में 3 3 9 3 2 6 = -3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए ये घ वाला क्वेश्चन था। इसमें लास्ट में अगर हम इसमें एलसीएम मेथड आता है तो एलसीएम लेके अगर यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो जल्दी भी हो सकता है, तो अगर एलसीएम मेथड आता है तो इसको आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम एलसीएम मेथड ही बताएंगे। तो इसके बाद है यहाँ पर डिवाइड का सिंबल, डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, 1/4 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उल्टा हो जाएगा 8/3, 3/8 8/3। अगर ये सॉल्व करना आपको नहीं आता है तो पीबीआर स्टडी जीरो लेवल मैथ ज़रूर देखिए, उसमें आपको पूरी तरह से समझाया गया कैसे कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। -1/2 ये डिवाइड का सिंबल था, मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 × 1 = 8 / 4 = 3 = 12 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको 4 × 1 = 4 / 4 = 8 डायरेक्ट कर सकते हैं और 2/3 आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 2 = 8 / 4 × 3 = 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 - 1/2, फिर आगे 2/3 - 1/2। ठीक है, अब 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 - 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 4 - 3 कितना आएगा, 1/6, 1/6 इज़ योर राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं कौन सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहले करेंगे जितने भी मिक्स फ्रैक्शन हैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। दो मिक्स फ्रैक्शन दिख रहे हैं, 1 से 1/2, 1 से 1/2, तो इसको चेंज करेंगे, 2 1 = 2 1 3/2, ये हो गया 3/2 प्लस 3/4 इंटू 5/8, फिर डिवाइड बाई 1/2 इंटू 2 1 = 2 1 3/2 हो गया। अब देखेंगे कहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें वैसे लिखते जाएंगे, 3/2 प्लस 3/4 इंटू 5/8, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इधर वाला पलट जाएगा, 1/2 था 2/1 हो जाएगा, इंटू 3/2, अब ये भी इंटू ये भी इंटू, तो 3/2 प्लस 3/4, और इसको तीनों को एक साथ आपकी सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 = 1 2 1 = 2 2 1 = 2 और कहीं सॉल्व हुआ, 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 2 4 = 8 2 4 = 8 4 आ गया, तो ऊपर क्या बचा, 5 1 3 5 1 = 5 और 5 1 = 5 5 3 = 15 आ गया, इंटू 15/ नीचे आ गया 4 15/4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपकी मल्टीप्लाई का सिंबल, ये रहा यहाँ से सॉल्व करें, 3/2 प्लस ये भी 15 × 3 = 45 और नीचे 4 × 4 = 16 45/16। अब इसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का कितना आएगा, 16, 2 का पहाड़ा 8 में पड़ेगा, 16 में पड़ेगा, 8 बार जाएगा, 2 8 = 16 तो 8 से ऊपर गुणा करेंगे, 8 3 = 24 16 + 16 = 45 तो 24 और 45 को ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 4 2 6 69/16। इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करके लिखेंगे, तो 16 से भाग देंगे, कितना आएगा, 16 16 3 48 16 4 64 चार बार गया और बचा 5, 4 सही 5/16 4 सही 5/16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चलिए ये है अगला क्वेश्चन। सबसे पहले सारे जो मिक्स फ्रैक्शन हैं इसको चेंज कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में,
ठीक है, तो 5 सते 35, 3 38, 38/5 धन 2/5 भागे 6 दूनी 12 1 13/6 धन 2 दूना 4 1 5/2 ठीक है। अब डिवाइड का सिंबल यहाँ पे है तो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे लिखते हैं 38 8/5 प्लस 2/5 डिवाइड का सिंबल चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये पलट जाएगा 6/13 हो जाएगा प्लस 5/2। फिर आगे 38/5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 13/65 धन 5/2। अब सब में देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम सीधा क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 65 और 2 का एलसीएम लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, एलसीएम लेना आता है कि नहीं, यहाँ से देखते हैं 5 65 2 का एलसीएम, 2 बार से ले जाएंगे 5 65 1, फिर 5 से ले जाएंगे 1 13 1, 13 से ले जाएंगे 1 1 1, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 2 × 5 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13/65 65 दूना 2 5 10 और 10 × 13 130, तो एलसीएम क्या है 130, 130 नीचे लिख लेंगे, पूरे के नीचे लाइन खींचेंगे, 5 को भाग करेंगे 130 से कितनी बार जाएगा, 26 बार जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 5 काटेंगे 13 × 26 बचेगा, और 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 में, 38 × 26 प्लस 65 से करेंगे 2 बार जाएगा, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 12 × 24 धन 2 का 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 65 बार जाएगा, तो 5 × 65 करेंगे ठीक है। 38 का गुणा 26 में करेंगे 38 × 26 8 × 48 हासिल 4 × 36 18 4 22 2 × 8 16 6 हासिल 1 3 × 6 7 8 6 × 2 8 7 × 2 9 कितना आया 988 प्लस 24 प्लस 5 का गुणा 65 में करेंगे 5 × 25 5 हासिल 2 × 5 32 32 325 आ गया अपान 130। अब सबको ऐड कर लेंगे 988 को 24 को और 325 को, 8 4 12 5 17 7 कैरी 1 8 1 9 9 4 13 3 हासिल 1 9 10 3 13 आया 1337/130। अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ से देख लेते हैं, 13 37 को 130 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार 130 कितना बचा 37, ये यहाँ आ गया, तो ये आ गया रिमाइंडर ठीक है। तो ऊपर कितना गया 1 1 सही 37/130 ये हो गया आपका आंसर, आंसर मैच करा लीजिए ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो दोस्तों ये आपका अभ्यास नंबर 19 यहीं पे एंड होता है, अब आगे हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अभ्यास 20 में, तब तक आप वीडियो देखते रहिए और पीबीआर स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीबीआर स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।